डिस्क्लेमर पढ़ना अनिवार्य और मैंडेटरी है क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर नहीं हूँ। आई एम नॉट सेबी रजिस्टर। जय जिनेन्द्र, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। वीकली कम मंडे एनालिसिस करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और निफ्टी मिड कैप और उसके ऑप्शन लेवल और डाटा एनालिसिस 19 से 23 जून 2023 के लिए। और सबसे बड़ा शीर्षक आज दिया है पैसा ही पैसा। तो लॉकडाउन से जो चला है उसका सीढ़ी दिखाने का कोशिश किया है मैंने कि कहाँ तक रुपया बना है लोगों का तेजी में। और ये सप्ताह तो हम सभी का बहुत ही बढ़िया गया है। और जो भी ब्रॉडकास्ट चैनल में नहीं जुड़े हैं कृपया करके ब्रॉडकास्ट चैनल में जुड़ जाइए ताकि बेनिफिट आपकी आप सभी का है, हमारा भी है, उसमें आपका भी है। तो ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना चाहिए ऐसा मुझे लग रहा है। जिनको भी ज्वाइन होना हो नेक्स्ट वीक के लिए ब्रॉडकास्ट लिस्ट ब्रॉडकास्ट चैनल में तो 400 रुपया वीकली फी है और जो एब्रॉड रहते हैं उनके लिए 800 रुपया है इंडियन रुपीस INR। तो तुरंत ही जुड़ जाइए ताकि आपको बेनिफिट मिलता रहे। और मेरा कॉमोडिटी का भी चैनल है HM कॉमोडिटी करके, उसमें भी आप जुड़ जाइए क्योंकि इसमें वीकली में मैं एक वीडियो डालता हूँ कॉमोडिटी का। और बाकी अपडेट मैं टेलीग्राम में व्हाट्सएप में देते ही रहता हूँ। जैसे ये सप्ताह मैंने दिया था सोमवार को ना मंगलवार को 2.45 रुपया में नेचुरल गैस लेने का 210 का कोल, जो कल 13 रुपया बिका। और कल परसों मैंने दिया था 230 का कोल 2.20-25 रुपया में, वो बिका कल 4.30 रुपया। तो ऐसे ही लेवल में बनाता हूँ, क्रूड का भी देता हूँ, नेचुरल गैस का भी देता हूँ। तो जुड़े रहिए एक चैनल से ताकि आपको भी बेनिफिट हो। और जिनको भी अच्छा प्रॉफिट हुआ हो वो QR कोड स्कैन करके अपना कंट्रीब्यूशन भेजना चाहो तो भेज सकते हो। अब अपने बात करते हैं आने वाले सप्ताह या आने वाले महीने की। महीना में इसीलिए बोल रहा हूँ कि अभी तो 15 दिन इस महीने का ही बाकी है, तो मैं अपने जुलाई तक की बात कर रहा है। एक तो माइनस जो नेगेटिव है वो है मॉनसून, जो आधा महीना जून का चला गया मॉनसून आया नहीं। और कॉटन वोटन जिन्होंने भी धान जो लगाए थे उनके सबके खराब हो गए और कुछ जगह पानी इतना आया कि उससे धान सड़ गया। तो इससे महंगाई बढ़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगा और RBI रेट अब कम नहीं करेंगे, बढ़ाना पड़ेगा उनको, ये स्थिति भी हो सकती है। तो ये बाज़ार के लिए जरा सा भी अच्छा नहीं है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि अभी ख़राब हो जाएगा, उसको अभी और 15-20 दिन टाइम लगेगा कि जून में कितना बारिश गिर रहा और जुलाई में कितना गिरना चाहिए। तो क्लियर आएगा अपने को 15 जुलाई के बाद। तब तक तो फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट भी कंपनियों का शुरू हो गया 10 तारीख से। अब थोड़ा सा चार्ट में जाके गौर कीजिए, तेजी है, लोग तेजी में पैसा कमा रहे हैं, लेकिन मेरे से तेजी नहीं खेला जा रहा इस लेवल पर, क्योंकि मैं 1990 से इस मार्केट में हूँ। 92 का हर्षद मेहता का तेजी मंदी देखा है, 2000 का केतन पारेख का तेजी मंदी देखा है, 2008 का सप्राइम तेजी मंदी देखा है, उसके बाद 2014 में नरेंद्र मोदी आए तब का तेजी, और 2020 में कोरोना हुआ तब का तेजी मंदी देखा हुआ है, और आज 2023 चल रहा है। इतने सालों का अनुभव ये कह रहा है कि अब पिछले जनवरी 2018 से जनवरी 2020 तक का RSI देखिए, थोड़ा सा दिमाग में को घोड़ा तेज कीजिए, उसका RSI चेक कीजिए डाइवर्जेंस किस हिसाब से हुआ है। और उसके बाद मार्च में कोरोना आया तब क्या हो गया था भैया। सेम 2021 से 2023 का RSI देख लीजिए कि अपने अभी कहाँ खड़े हैं उसके मुकाबले। 2018 से 20 का जो RSI डाइवर्जेंस था उसके मुकाबले अपने अभी कहाँ खड़े, सेम टू सेम खड़े हुए। तेजी नहीं खेलना चाहिए, ओवरनाइट पोजीशन तो तेजी का तो भूल चुके भी नहीं ले जाना चाहिए। उसका मतलब यह नहीं है कि आप मंदी खेल लो, अगले महीने का पुट ले लो, ये ले लो, वो ले लो, नहीं, कन्फर्मेशन होने दीजिए। बाकी अपने इंट्राडे तो कर ही रहे हैं, तो आप लोगों के पास भी कोई
पोर्टफोलियो पड़ा हो तो मेरे हिसाब से, ये मेरा अपना अनुमान है, प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए और कैश में बैठना चाहिए। और यदि प्रॉफिट बुक नहीं करते तो स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाइए ताकि आपको धोखा नहीं हो, ये मेरा कहना है और ये मेरा अपना अभिप्राय है। मैं तो तेज़ी नहीं खेलूँगा, ठीक है, इंट्राडे कोई भी खेल ले अपने, वो बात अलग है, स्टॉप लॉस दे के, बाकी लॉन्ग पोजीशन नहीं बनाऊँगा कि भाई ये ले गए अपने निफ्टी कॉल पुट, कॉल ले गए एक हफ्ता बाद बेचेंगे, नहीं वो तो धोखा हो जाएगा। तो यही कहना था मेरा, और आज का शीर्षक भी इसीलिए मैंने नोट का बनाया हुआ है कि बहुत रुपया कमाया तेजी वालों ने 2020 से जो आए हैं लॉकडाउन की, बस उससे ज़्यादा आगे नहीं बोलना चाहता हूँ। तो उनको अभी पता नहीं है कि मंदी का मार कैसा होता है, तो कुछ दिनों या कुछ हफ्ता में सब समझ में आ जाएंगे। चलिए अपने फटाफट स्टार्ट करते हैं, वीडियो लंबा हुआ होगा लेकिन देखिएगा अंत तक, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दिस स्लाइड्स वीडियो इज फॉर एजुकेशनल लर्निंग पर्पस ओनली, एज पर प्रोविजनल डाटा अवेलेबल ऑन द NSE वेबसाइट से पुलअप किए हुए हैं। FII ने फ्राइडे को इंडेक्स में बाई किए 4268 करोड़ का, सेल किए है 3087 करोड़ का, नेट में 1181 करोड़ का बाई किए, LS रेशियो 1.22। FII ने FNO स्टॉक्स में 2034 करोड़ का बाई किए, और FII ने कैश में भी बाई किए 795 करोड़ का, और DII ने भी केस में बाई किया 681 करोड़ का। फुल तेजी है, गुलामी तेजी है, जिनको भी तेजी खेलना है प्रेम से तेजी खेलिए, कोई मना नहीं है। मैं दोनों लेवल दूंगा, कॉल का भी लेवल दूंगा, इंट्रा और सब इंट्राडे का, ओवरनाइट कोई नहीं, कैरी फॉरवर्ड कोई नहीं, सिर्फ इंट्राडे का। कॉल का भी लेवल दूंगा बाई करने का, और पुट का भी लेवल दूंगा बाई करने का, जिसको जो खेलना हो। यह डाटा सेट है 16 जून के और 19 जून को कैसा रहेगा। इसमें मोटा मोटी देखा जाए तो FII ने 12,555 कॉन्ट्रैक्ट बोथ किए, तो नेट बेसिस पर लॉन्ग हो गए 18,385, और प्रो शॉर्ट में चल रहे उनके सामने 16,045 कॉन्ट्रैक्ट नेट शॉर्ट, क्लाइंट भी नेट शॉर्ट में है 10,233। इंडेक्स कॉल में क्लाइंट ने कल अच्छा कॉल बेचा है 2,90,747, तो अब उनके बढ़ के हो गए 3,52,968। जब तक इनका शॉर्ट रहेगा बाजार नहीं गिरेगा, बाजार ऊपर ही जाएगा। तो सोमवार को भी बाजार ऊपर है, और सोमवार को डाउ जोन बंद है, तो सोमवार को इनको खुला मैदान है ऊपर खींचने का, तो जहां भी घटे वहां कॉल लेकर खेलिए। FII ने बोध किए हैं इंडेक्स कॉल में 64,259 कॉन्ट्रैक्ट, तो अब उनके बढ़ गए 2,71,429। प्रो ने भी देखिए 2,26,488 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग किए, एक दिन पहले वो शॉर्ट में थे, तो नेट बेसिस पे वो 81,000 लॉन्ग में आ गए। इंडेक्स पुट में देखिए क्लाइंट ने 1,63,749 कॉन्ट्रैक्ट बोध किए हैं, तो एक दिन पहले 3,76,000 शॉर्ट थे, तो उसमें कुछ प्रॉफिट बुकिंग किए होंगे, तो अभी भी उनके शॉर्ट चल रहे, यानी तेजी खेल रहे, 2,12,783 कॉन्ट्रैक्ट। FII ने सोल्ड किया 47,643 कॉन्ट्रैक्ट, एक दिन पहले इंडेक्स पुट में लॉन्ग थे 3,01,000 कॉन्ट्रैक्ट, उसमें से घटकर अब उनके लॉन्ग रहते 2,53,000। प्रो ने सोल्ड किए 1,16,106 कॉन्ट्रैक्ट, तो नेट बेसिस पर वो इंडेक्स पुट में शॉर्ट में आ गए 1,37,268, यानी तेजी। ओवरऑल समरी, डाटा बुलिश है, चार्ट बुलिश है, क्लाइंट FII और प्रो की भी पोजीशन फुल बुलिश में है, तो बुलिश में खेलिए विथ प्रॉपर स्टॉप लॉस देके, और ओनली इंट्राडे, नो कैरी फॉरवर्ड, चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, प्रॉफिट में भी कैरी फॉरवर्ड नहीं, प्रॉफिट बुक करके जाइए। अगर आप वीडियो यहाँ तक देखे हो तो वीडियो को अंत तक जरूर से देखें, और वीडियो से आपको कोई बेनिफिट हो रहा लर्निंग पर्पस में तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस चैनल से जो नए जुड़े हैं चैनल के सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। दिए गए लिंक पर आप जॉइन यूट्यूब में ज्वाइन हो सकते हो, फेसबुक पेज में आप लॉगिन कर सकते हो, और टेलीग्राम चैनल में भी ज्वाइन हो सकते हो। वीकली लेवल 19 से 23 जून 2023 के लिए निफ्टी मिड कैप स्पॉट बिलो 8072 के नीचे सेल जोन रहेगा, सपोर्ट 7,990 7,901,
रजिस्टर ऊपर में 8163, 8255 मूविंग एवरेज मैंने सारे दिए हैं ताकि आपको लर्निंग पर्पस में हेल्पफुल हो सके। इंट्राडे मंडे के लिए निफ्टी मिड कैप स्पॉट एबव 8072 के क्लोजिंग के ऊपर हो तो बाई कीजिए, सपोर्ट 8053, 8021, रेजिशन ऊपर में 8104, 8136 तक जा सकता है। ये निफ्टी मिड कैप स्पॉट के फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल है, चाहे तो आप नोट कर सकते हो, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको लर्निंग पर्पस में पूरे वीक के लिए हेल्पफुल हो सके। वीकली लेवल 19 से 23 जून 2023 के लिए निफ्टी स्पॉट एबव 18750 के ऊपर बाई जोन, क्लोजिंग 18826 का दिया हुआ है और 18750 के नीचे हो तो सेल जोन रहेगा, सपोर्ट 18635, 18445, ये वीकली लेवल है, आप नोट कर लेना। रेजिस्टेंस ऊपर में 18940, 19055 और 19150 हाईएस्ट इस वीक का लेवल है। मूविंग एवरेज सारे मैंने दिए ताकि आपको लर्निंग पर्पस में पूरे वीक के लिए हेल्पफुल हो सके। मंडे 19 जून 2023 के लिए निफ्टी स्पॉट एबव 18800 के ऊपर बाई जोन, 18800 के नीचे हो तो सेल जोन, सपोर्ट नीचे 18735 और रेजिस्टेंस ऊपर में 18890, 18955। 18890 से 920 का जोन में कहीं भी पुट लेना चाहिए मेरे हिसाब से, तो इंट्राडे में वहां पर आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगा। इंट्राडे मंडे 19 जून 2023 के लिए निफ्टी 18900 का कॉल वीकली वाला, जहां घटे वहां 49 से 41 का रेंज आ रहा है और सपोर्ट 2265 का, ऊपर में रेजिशन 90 रुपये का टारगेट पकड़िए, 59 का क्लोजिंग दिया है 59 का, इनकेस 59 के ऊपर हो तो लीजिए 4 रुपये का स्टॉप लॉस, 55 का स्टॉप लॉस और 90 का टारगेट के लिए, और इनकेस थोड़ा गैप डाउन खुले या फ्लैट खुल के थोड़ा गैप डाउन हो जावे तो 49 से 41 का रेंज के पास लीजिए, सपोर्ट 2265 का और रेजिशन 90 रुपये का। इंट्राडे मंडे 19 जून 2023 के लिए निफ्टी 18900 का पुट वीकली वाला, 96 का क्लोजिंग है तो जहां घटे वहां 42-65 आवे तभी लेना है, उसके पहले कहीं भी नहीं लेना है, चाहे ये लगे आपको 51-55 से घूम रहा ले लो, नहीं, 42-65 आवे तभी लीजिए, नहीं आवे तो कोई बात नहीं है, अपने जरूरी नहीं है कि पुट लेना ही है, अपने रेंज में आवे लीजिए, 24-65 का स्टॉप लॉस, ऊपर में रेजिशन 73-120 के लिए। वीकली लेवल 19 से 23 जून 2023 के लिए फिन निफ्टी स्पॉट बिलो 19400 के नीचे सेल जोन, 19400 के ऊपर 457 का क्लोजिंग है तब तक ठीक है, सपोर्ट 19270, 19100, रेजिस्टेंस ऊपर में 19585, 19700, यानी 300 पॉइंट इस तरफ, 300 पॉइंट उस तरफ 400 के। मंडे 19 जून 2023 के लिए फिन निफ्टी स्पॉट बिलो 19457 क्लोजिंग के नीचे हो तो सेल जोन, क्लोजिंग के ऊपर हो तो बाई जोन, सपोर्ट 19410, 19310, रेजिस्टेंस ऊपर में 19563। ये फिन निफ्टी के स्पोर्ट के फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल है, चाहे तो आप नोट कर सकते हो, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको लर्निंग पर्पस में पूरे वीक के लिए हेल्पफुल हो सके। इंट्राडे मंडे 19 जून 2023 के लिए फिन निफ्टी 19400 का कॉल वीकली वाला, 105 के नीचे हो तब सेल कीजिए, क्लोजिंग 116 का दिया है तो 105 के नीचे हो तभी सेल कीजिए, ऊपर में रेजिशन डे हाई का लगाइए, 116 का लगाइए और या फिर 135 का, सपोर्ट नीचे में 73 और बाइंग जोन रहता है आपका 51 के पास, 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस। इफ यू बेनिफिट थ्रू लर्निंग फ्रॉम आवर कंटेंट स्टॉक मार्केट कमोडिटी फॉरेक्स एंड ऑप्शन लेवल, प्लीज प्रेस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल HM स्टॉक पेयर्स HM कमोडिटी। आप यहां तक वीडियो देख रहे हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए। इंट्राडे मंडे 19 जून 2023 के लिए फिन निफ्टी 19400 का पुट है वीकली वाला, जहां घटे वहां 21 के पास लीजिए, 15 का स्टॉप लॉस, रेजिशन 73-94 थोड़ा ज्यादा हो गया, 73 पकड़ लीजिए मैक्सिमम और क्लोजिंग 35 रुपये का दिया है तो जहां घटे वहां 21 के पास लेना चाहिए, 15 6 पॉइंट का स्टॉप लॉस सिर्फ
और वो भी नहीं समझ में आया तो जरूरी नहीं है कि फूट लेना है, मत कीजिए एक दिन दो दिन, मंगलवार को तो है ही हीरो जीरो, उस दिन खेलेंगे अपने। वीकली लेवल 19 से 23 जून 2023 के लिए बैंक निफ्टी स्पोर्ट बिलो 43,850 के नीचे सेल जोन, क्लोजिंग 43,938 का दिया, ये वीकली का है, तो 43,850 के नीचे हो तो सेल जोन, सपोर्ट 43,486, 43,034 और 42,671 तक इस वीक में आ सकता है, ऊपर में रेजिस्टेंस 44,301 और 44,664, ये वीकली के लेवल है, उसलिए फिगर बड़े बड़े हैं। मूविंग एवरेज मैंने सारे दिए हुए हैं ताकि आप नोट कर ले, आपको लर्निंग पर्पस में हेल्पफुल रह सके। और बैंक निफ्टी में मुझे ऐसा लग रहा है कि मंगल को मूडीज का रेटिंग का बात हो रहा है, रेटिंग आने वाली है, तो शायद अब निफ्टी को ऊपर ले जाने के लिए बैंक निफ्टी को ऊपर की ओर ले जाएंगे ये लोग, ऐसा मुझे लग रहा है, तो शायद बैंक निफ्टी को ऊपर की ओर ले जाए तो बाय ऑन डिप्स ऑन सेल ऑन राइज अपर लेवल में और विथ प्रॉपर स्टॉप लॉस ओनली इंट्राडे, वो भी जो 10 लोट करते हैं वो 5 लोट करे, जो 5 करते हैं वो 2 लोट करे, 2 लोट वाला 1 लोट पे आ जावे, मिनिमम सौदा रखे और विथ प्रॉपर स्टॉप लॉस देते हैं। मंडे 19 जून 2023 के लिए बैंक निफ्टी स्पोर्ट अबव 43,852 के ऊपर बाई जोन, सपोर्ट 43,622, 43,300, रेजिस्टेंस ऊपर में 44,168। यह बैंक निफ्टी स्पोर्ट के फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल है, आप चाहे तो नोट कर सकते हो, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये आपको लर्निंग पर्पस में पूरे वीक के लिए हेल्पफुल हो सके। इंट्राडे मंडे 19 जून 2023 के लिए बैंक निफ्टी 44,000 का कॉल है वीकली वाला, जहां घटे हुआ 160 से 135 का रेंज में लेना है और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 105 का, रेजिस्टेंस ऊपर में 230-270, 230 का क्लोजिंग दिया है, तो मुझे लग रहा है मंडे को थोड़ा फ्लैट खोल के पहले कॉल वाले को गिराएंगे फिर पुट वाले का प्रीमियम खाएंगे, इस तरह मुझे लग रहा है, तो कॉल आपको नीचे में सुबह अर्ली मॉर्निंग में कहीं डीप मिले तो वहां पर लीजिए और प्रॉपर स्टॉप लॉस दे के, कट जावे तो कट जावे, और मैंने जो सिस्टम बताया है 10 लोट वाला 5 लोट, 5 लोट वाला 2 लोट, 2 लोट वाला 1 ही लोट खेल के दे। इंट्राडे मंडे 19 जून 2023 के लिए बैंक निफ्टी 44,000 का पुट, जहां बड़े हुआ सुबह पहले बेचना चाहिए 290 के पास, 350 का स्टॉप लॉस, सपोर्ट नीचे में 175, 140 और 120, अब आपको बाइंग करना हो तो 120 से 95 का रेंज में, अब आप देखिए 120 के पास घूमता है तो वहां पर लीजिए 15 का स्टॉप लॉस डाल दीजिए 5 पॉइंट का, कट जावे बैठ जाइए 95 का इंतजार कीजिए, पुट जिसको लेना है 95 आवे 80 का स्टॉप लॉस, 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस और टारगेट ऊपर में, फिर जैसे ये जहां सपोर्ट है वो रेजिस्टेंस हो जाएगा, फिर 95 आए तो वहां से 120 जाएगा, 120 को पार करेगा तो 140 जाएगा, 140 को पार करेगा तो 175 जाएगा, उस तरह से। यदि आपको निफ्टी बैंक निफ्टी स्टॉक्स एंड ऑप्शन लेवल के डाटा एनालिसिस अच्छे लगे हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आप इस चैनल से नए जुड़े हैं तो इस चैनल के सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और पास वाले बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियो भेजूँ आपको तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत ही मिले। This slides video is for education and learning purpose only. Thank you for watching our channel. मिलते हैं अगले हफ्ते वीकली लेवल के लिए एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय जिनेंद्र दोस्तों।